हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। और हम देखेंगे क्रूड ऑयल आज कौन सा डायरेक्शन में ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकता है, उसका भी ऊपर हम बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल आज पिवट पॉइंट 3654 फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंट 3748, सेकेंड रेजिस्टेंट 3886, थर्ड रेजिस्टेंट 3980, फर्स्ट सपोर्ट 3516, सेकेंड सपोर्ट 3422, थर्ड सपोर्ट 3284। तो आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट, जो मैंने आपको वीकली चार्ट दिखा के आपको एक पिवट पॉइंट डाला था, राइट। तो आपको याद होगा अगले पहले वीडियो में, तो यहाँ से तो मुझे लगा था यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस लाइन था, ये देख सकते हैं आपने, मैंने डाला था यहाँ रेजिस्टेंस लाइन। तो यहाँ से मार्केट कल, जिसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट नीचे आने वाला है कल और परसों दो दिन में, तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया। तो आज देखना है मार्केट कितना नीचे आ सकता है, राइट। तो उसका भी ऊपर हम बात करेंगे, जिसे हमने वन आवर या फोर आवर चार्ट में, पहले देख लेता हूँ फोर आवर चार्ट में। तो फोर आवर चार्ट में आप देख सकते हैं एक हायर हाई बनाया यहाँ पे, जो यह लोअर था, लोअर लो था, एक हायर हाई बनाया, उसके बाद एक लोअर। तो नेक्स्ट इसको ब्रेकआउट करने के लिए वो कर नहीं पाया, तो एक इसको बोल सकते हैं डबल टॉप पैटर्न, तो डबल टॉप पैटर्न फॉर्म करके नीचे आ गया। तो आके मैंने जिसे जहाँ पे आपको एक टारगेट दिया था, तो वहाँ पर, वहाँ तक तो मार्केट आ गया। तो देखना है आज क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर 15 मिनट, चलो हम 15 मिनट में देखेंगे। तो 15 मिनट में कल एक मैंने बताया था आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, जिसे मैंने कल आपको दिया था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, शायद आपको याद होगा ये शोल्डर, लेफ्ट एंड राइट शोल्डर और हेड। तो बाद में मैंने एक नेक लाइन दिया था यहाँ पे आपको, राइट, कल जो वीडियो था वहाँ पे नेक लाइन। तो मैंने आपको सेल करने के लिए किया था कहाँ पे, जब नेक लाइन ब्रेकआउट होगा। तो अगर सेल किया तो आपको, मुझे लगता है यहाँ पे अराउंड 100-200 पॉइंट के आसपास आपको कुछ मिला होगा, वो तो कल का बात था। तो आज क्या होने वाला, हम आज हम बात करेंगे। तो आज मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सॉफ्टी मार्केट है यहाँ पे, तो एक रेंज में मार्केट अभी घूम रहा है। अगर हमने वन आवर चार्ट में देखे तो आप देख सकते हैं, ये सोरा मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, तो यहाँ पे देख सकता है ये एक रीजन में मार्केट जा रहा है। तो इसलिए मैंने इसको सॉफ्टी मार्केट किया, क्योंकि एक ट्रेंड में, एक रेंज में चल रहा है, ट्रेंड रेंज, इट्स अ स्लीपिंग रेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो नीचे आके फिर से ऐसा ऐसा एक रेंज में रहेगा। अगर एक बात यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कि अगर ये 200 मूविंग एवरेज का ऊपर में क्लोज हो गया और ये 3837 को ब्रेकआउट कर दिया, तो ऊपर जाने का चांसेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले ये रीजन को पहले देख लेना चाहिए, या नीचे में मार्केट जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ा या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को देख के ही हमको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे में मिला, हमें थोड़ा बाय ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नीचे आप ऐसा लगा सकता है, अगर ये रेंज में मार्केट मिल गया आपको, अगर मार्केट नीचे मिल गया आपका ये रेंज में, तो आप बाय में जा सकता है, और थोड़ा नीचे ऐसे लगा के आप 1:2 रेशियो में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऊपर मिल गया 200 के आसपास, तो यहाँ से फिर से आप सेल जा सकता है, राइट। तो अगर अभी 15 मिनट में देख सकते हैं आप, 15 मिनट में देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट एक टोटली साइडवे है। तो बेटर होगा पहले हम ट्रेंड को फाइंड आउट करें, क्योंकि अभी मूविंग एवरेज से डाउन ट्रेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं किया, तब तक हम बाय में नहीं जा सकता, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।